माने तो अक्षय कुमार जल्द ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के किरदार में नजर आने वाले हैं। क्लोज सोर्स के मुताबिक अक्षय कुमार की रीच और इम्पैक्ट को देखते हुए इस स्टोरी में उनका ही नाम फाइनल किया गया है। बता दें कि कुछ समय पहले मोदी के किरदार के लिए परेश रावल, अनुपम खेर और विक्टर बैनर्जी जैसे नामों पर अटकलें लगाई जा रही थी। इस मामले में बीजेपी पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि अक्षय इंडिया में मिस्टर क्लीन है, ऐसे में इस रोल में अक्षय ही सूट करते हैं। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरपर्सन पहलाज निहलानी का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर का रोल अक्षय से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता। अक्षय अभी टॉयलेट एक प्रेम कथा और बैडमैन जैसी फिल्मों में नजर आने वाले हैं, ऐसे में पीएम मोदी के किरदार को अक्षय कुमार ही ज्यादा अच्छे से निभा सकते हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।